काफी बड़ा लैंडस्लाइड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा सेंसर लाइट का काम किया हुआ है। विष्णु भगवान अपनी शैया पे विराजमान है। जब आरती होती है तो इन यंत्रों का उपयोग होता है। हुंडी जहाँ पे हम दान करेंगे, शेर के मुंह के अंदर जाएंगे हम। वहाँ पे भी आपको सारे ही बड़े बड़े ऋषि मुनि दिख जाएंगे, उसके अंदर से होते हुए चलेंगे। जैसी मैं अंदर आई हूँ वैसी लाइट के देवताओं के आप यहाँ पे निशान देख रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम जोशी स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे हाईवे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये शिमला कालका परमाणु का हाईवे है जो सीधे आपको शिमला और हसीन वादियों की ओर लेके चलेगा। और ठीक अंदर की तरफ आप ये रोड देख रहे होंगे, ये जो रास्ता है ये जाता है त्रिमूर्ति धाम बालाजी के मंदिर की ओर। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी ऊपर बड़ी हाइट पे पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से जो नीचे का जो दृश्य दिखता है वो बड़ा ही मन को मोह लेने वाला दृश्य है दोस्तों। जो नए दोस्त हमारे साथ हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसका कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो चलो आज आपको भगवान जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं दोस्तों। और ये सीधा रोड जाएगा त्रिमूर्ति धाम के लिए। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, मंदिर का रास्ता बताऊंगी कि हमने किस ओर से जाना है। ये शिमला और कालका परमाणु का हाईवे है और अंदर की तो तरफ हम जा रहे हैं, हमने अंदर वाला रूट ले लिया है और ये सीधा जाएगा। बिल्कुल चढ़ते जाना है, सीधे सीधे चलते जाना है, रास्ता मैं आपको दिखाती रहूँगी, बने रहिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आए। वैसे हम टू व्हीलर में जा रहे हैं लेकिन आप अगर फोर व्हीलर में आना चाहते हैं तो फोर व्हीलर में भी आ सकते हैं। रास्ता बड़ा क्लियर है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी आने में। आपको इसी रूट पे चलना है जिस रूट पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे एक लैंडमार्क मैं आपको बता देती हूँ, ये फ्लाईओवर के नीचे वाला मोड़ है। आपने इस मोड़ से मुड़ना नहीं है, आपने सीधे चलना है। रास्ते में आपको ये ग्रीन कलर का बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा हुआ है त्रिमूर्ति आश्रम और मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड है ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको मंदिर तक ले जाने के लिए। बरसात की वजह से थोड़ा सा रोड्स का हमें दिक्कत लगा, गड्ढे हो गए थे। जब मैं लास्ट बार गई थी त्रिमूर्ति धाम आश्रम मंदिर में तो काफ़ी अच्छा रोड था, बट आज मुझे ये लगा है कि रास्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हमें चलने में। रास्ते में आपको ऐसी सुंदर सुंदर मन को मोह लेने वाली लोकेशंस मिलती रहेंगी। अभी हम काफ़ी नीचे हैं लेकिन जैसे ही ऊपर हम पहाड़ पर चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक ऐसा फील होगा कि आप काफ़ी ऊपर हाइट पे आ चुके हैं। तो ये आ गया है दोस्तों बोर्ड और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कहीं हिमाचल या परमाणु में आ गए हैं, बट ये जो मंदिर है दोस्तों ये कालका के अंदर आता है। बड़ा ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, काफ़ी बड़े एरिए में इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों ओर हरियाली है, पहाड़ चढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमारा जो स्कूटर है वो बहुत स्लो हो चुका है। हम रेस दे रहे हैं बट रेस भी काम नहीं कर रही है, खड़ी चढ़ाई आ चुकी है और एक जगह पे हमें उतरना भी पड़ेगा क्योंकि सामने मुझे कुछ लैंडस्लाइड दिख रही है। हमारा जो स्कूटर है वो भी काफ़ी स्लो स्लो चल रहा है। और ये देखिए हम कितनी ऊपर हाइट पे आ गए हैं दोस्तों, ये काफ़ी नीचे से होते हुए हम आ रहे हैं। स्कूटर की स्पीड भी बहुत कम हो गई है और यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ से आधा जो पहाड़ है वो दरक चुका है। ये जो रास्ता आप देख रहे होंगे रास्ते की चौड़ाई कुछ ऐसे है और यहाँ पर ये रास्ता इतना सा रह गया दोस्तों।
और ये भी धीरे धीरे खिसक रहा है। यहाँ पे पॉलीथीन का जो ये तिरपाल है वो लगा दिया गया है ताकि और बारिश से जो इसकी मिट्टी है वो ना खिसके। और वहाँ पे भी कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ पत्थर वगैरह आए हुए हैं और यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है। घने जंगल के बीच में ऐसा मंदिर जो हनुमान जी का जो प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मंदिर है, वहाँ आपको लेके चलूँगी आज। रास्ते में आपको बीच बीच में प्रतिमाएं दिखती रहेंगी, बोर्ड्स लगे हुए हैं, ऐसी प्रतिमाएं आप देखते रहेंगे। और जब आप चल रहे होंगे तो आपकी नज़र थोड़ा नीचे की तरफ भी दिखेगी, जहाँ पे आप देखे बिना नहीं रह पाएंगे। यकीनन यहाँ से जो नीचे की लोकेशन है कालका पिंजौर की सिटी, वो साफ तौर पर साफ साफ दिखती है। और यहाँ से हम चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी ऊपर आ गए हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से कालका सिटी पूरी दिख रही है। इस टाइम मैं काफ़ी ऊपर हाइट में आ गई हूँ दोस्तों, और हमारी जो स्कूटी है वो भी बहुत स्लो हो गई थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये काफ़ी ऊंचाई वाला रास्ता है, पहाड़ जैसे एरिए, जैसे पहाड़ में हम चलते हैं ना वैसे ही ये रास्ता है। और ये आप देख रहे होंगे पूरा एरिया, ये है हमारा कालका सिटी। रेलवे स्टेशन से अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो ये 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे हैं हनुमान भगवान जी का मंदिर है। और यहाँ पे आपको सभी देवी देवता एक साथ दिख जाएंगे। मंदिर के पार्किंग एरिया में हम पहुँच चुके हैं और आज काफ़ी भीड़ भी लग रही है, फैमिलीज़ आ रही हैं, फैमिलीज़ के साथ बच्चे भी आ रहे हैं। तो आप यहाँ की गाड़ियाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर में आज काफ़ी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों ये आ गया है हमारा त्रिमूर्ति धाम, बाबा जी का मंदिर, खूबसूरत और बहुत ही बड़ा मंदिर है। जो मंदिर का पार्किंग एरिया है, काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही हैं क्योंकि ऑफ है, लोग फ्री हैं, तो काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इसी बीच हम भी यहाँ आ गए हैं, मैंने लास्ट वीडियो यहाँ की बनाई थी तब ये जो अमर कुंड है ये तब बन रहा था, आज ये कंप्लीट हो चुका है। जूते घर में अपना शूज़ वगैरह रख के हम सीधा अंदर चलेंगे। काफ़ी अच्छे सारे काफ़ी सारे नल हैं यहाँ पे। इस मंदिर को बने हुए दोस्तों 45 साल के आसपास लगभग का समय हो चुका है। किसी विद्वान पंडित जी को यहाँ पे कुछ स्वप्न हुआ था, आभास हुआ था कि मेरा मंदिर यहाँ बनाया जाए, जिस वजह से यहाँ पे इतना खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको जगह जगह यहाँ पे गुफा मिल जाएगी, गुफा के अंदर गुफा, गुफा के अंदर गुफा, हर तरफ हमें गुफा से अंदर होते हुए चलना होगा। पे भी काफ़ी बड़ा फ्लावर सा बनाया हुआ है, जो लोग दर्शन करके थक जाते हैं उनके आराम के लिए ये व्यवस्था की गई है। देखिए कितना सुंदर है। कितना सुंदर यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, आप खुद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ गरुड़ का हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, और इस गुफा के अंदर हम फिर चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा सेंसर लाइट का काम किया हुआ है, जैसे जैसे आप चलते रहेंगे तो यहाँ पे लाइट्स चलती रहेंगी दोस्तों। अद्भुत मंदिर है ये, देखिए पूरा गुफा बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, ऋषि मुनि आदि शंकराचार्य जी, सारे स्वामी हमारे महात्मा बुद्ध, कपिल मुनि, जितने भी हैं यहाँ पे आपको सभी देवी देवता आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। Thank you.
विष्णु भगवान अपनी शैया पे विराजमान है, तो बहुत ही सुंदर है। मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। एंट्री करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, सभी जगह आपको ऐसा मंदिर कहीं नहीं आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपको हर जगह गुफा से होते हुए चलना है। और यहाँ पे देखने वाली एक बात यह है दोस्तों कि ये दीवार पर उकेरी गई तस्वीरें हैं। पूरा इसमें देखेंगे तो अब दीवारों पे काम किया गया है जो कि बेहद सुंदर और मनमोहक लग रही हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो तस्वीरें हैं वो कुछ ना कुछ कहानी बता रही हैं। जो लोग चलते चलते थक जाते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं मंदिर की ओर चलने के लिए। अब हम इन सीढ़ियों से ऊपर होते हुए चलेंगे और ये मंदिर का भव्य द्वार है। बहुत ही सुंदर इसको डिज़ाइन किया गया है, सुंदर सा बनाया गया है। हर तरफ फूल माला देखेंगे आप तो फूल मालाएँ लगाई हुई हैं, प्लांट्स रखे गए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये, और यहाँ से भी हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऐसी मान्यता है त्रिमूर्ति धाम बालाजी मंदिर की कि जब भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो वह रास्ते में इस जगह पर ठहरे थे। उसके बाद यहाँ के किसी पंडित जी को कोई स्वप्न हुआ था कि मेरा यहाँ पर स्थान बनाया जाए। उसके बाद यहाँ लोगों के द्वारा ये धीरे धीरे कार्य किया गया यहाँ पे कि इस मंदिर में कभी भी पीठ रखकर नहीं चलते हैं। जो भी यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं वो सीधे होकर चलते हैं आगे की ओर। तो ये पूरा द्वार था जो मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा द्वार है। और ये है हुंडी जहाँ पे हम दान करेंगे, जिसको जो भी अर्पित करना है वो इस हुंडी में ही अर्पित करते हैं। ऐसे ही नोट देखेंगे जो कि बड़े ही अच्छे लगते हैं। हम नीचे चलेंगे सीढ़ियों से। पूरा इसको मतलब ऐसे मंदिर को बनाया गया है दोस्तों, असली की गुफा लग रही है कि हम असली गुफा के अंदर चल रहे हैं और ये शेर के मुंह के अंदर जाएंगे हम। अब मैं आपको लेके चली हूँ शिव गुफा के अंदर। तो शिव गुफा के अंदर जाने से पहले का दरबार देख लीजिए। बड़े ही रहस्यमय तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ऐसे लगता है कि आगे अब हम क्या अगला देखेंगे, क्या चीज़ नहीं देखेंगे, जो शायद ही आपने किसी और जगह में ऐसा मंदिर देखा होगा। फ्रेंड्स ये जो मंदिर है वो 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे शिव दरबार आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे भगवान शिव के पूरे आपको 12 ज्योतिर्लिंग दिख जाएंगे एक साथ। बड़ा ही सुंदर इस दरबार को बनाया गया है। तो यहाँ पे सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी के नाम भी आप देख पाएंगे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो भगवान शिव जी के अनेकों रूप जो आप इसी दरबार में देख सकते हैं, उनके रूप उनके स्वरूप सभी आप इसी जगह पे देख पाएंगे। यहाँ पे देवी माँ की प्रतिमाएं भी हैं,
भगवान की भी हैं, ऋषि मुनियों की भी हैं, तिरुपति बालाजी भी हैं, खाटू श्याम जी भी हैं। आपको सभी देवी देवताओं के एक ही जगह पर दर्शन होने वाले हैं, त्रिमूर्ति धाम बालाजी मंदिर में, जो कि कालका में है। अब एक और गुफा के अंदर चलते हैं, देखते हैं हम कौन से दर्शन कर पाएंगे। हाथी महाराज जी की गुफा के अंदर से चलेंगे। बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों, अगर आप एक बार यहाँ आएंगे तो सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आपने अभी देखा होगा, मैंने जैसे ही अंदर एंटर किया है तो मेरे पैर रखते ही सेंसर लाइट का यूज़ हो चुका है, यानी कि हमारे अंदर चलते ही अंधेरा उजाले में बदल गया। बहुत ही अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। चलते चलते आपको उजाला मिलता रहेगा और आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कितना ध्यान रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं यहाँ पे मंदिर से थोड़ा बाहर आके मैंने आपको यहाँ का व्यू दिखाया है कि यहाँ पे छोटे छोटे मकान बनाए गए हैं और छोटी छोटी प्रतिमाएं भी हैं। इनके साथ जो देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे सभी धर्मों के चिन्ह आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे खालसा का चिन्ह दिख जाएगा आपको, यहाँ पे इस्लाम का चिन्ह दिख जाएगा, हमारे जो ओम का साइन दिख जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको जीसस का भी चिन्ह मिल जाएगा। काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मौसम बहुत सुहावना है और इतने बड़े मंदिर में घूमने के लिए मौसम अच्छा हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। सभी मंदिर में शेड लगे हुए हैं टीन के, जैसे गर्मी में धूप वगैरह की से लोगों को परेशानी ना हो। रेलिंग पकड़ के लोग आराम से नीचे उतर सकते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि कहीं पे ऊंचाई आ रही है, कहीं पे नीचाई आ रही है, तो उस हिसाब से ग्रिल्स लगा रखी हैं, साइन बोर्ड लगा रखे हैं कि आपने अब किस तरफ जाना है। यहाँ पर आप खाटू श्याम भगवान जी का भी दरबार आप देख सकते हैं दोस्तों। पानी का तालाब है, पानी के तालाब के अंदर माँ बैठी हुई हैं, उनके साथ भगवान जी भी बैठे हैं। और बनाया हुआ है मंदिर को कि ये पानी के अंदर विराजमान है। भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग है वो भी पानी के अंदर आप देखेंगे, ये भी देखने वाली बात है। जब भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया था तो वो दिखाया गया इस चित्र के माध्यम से। व्यू जो मन को मोह लेगा, पूरा कालका पिंजोर शहर आप एक साथ यहां से देख पाएंगे। हर किस्म के आपको दिख जाएंगे, यहां पे बेल पत्र लगे हुए हैं। मंदिर अभी और दिखाना बाकी है दोस्तों, तो चलते रहिए मेरे साथ मंदिर को और देखने के लिए। दोस्तों इस मंदिर में घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही बड़ा है। 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ये बनाया गया है। अंदर आप सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं देख सकते हैं और इसके साथ यहाँ के नज़ारे हैं वो आपका मन मोह लेंगे। पहले यहाँ पे ऐसा बनाया नहीं गया था, लेकिन अब जब मैं दूसरी बार यहाँ पर आ रही हूँ तब ये पूरा शेड करके बना दिया गया है और अब हम इसके अंदर होकर चलेंगे।
इस मंदिर में दोस्तों निर्माण कार्य चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये था त्रिमूर्ति धाम बालाजी का मंदिर जो मैंने आज आपको पूरा दिखाया अपने ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा होगा। त्रिमूर्ति धाम बालाजी मंदिर में मैं आज आपको लेके पहुँची थी। कालका का बड़ा ही सुंदर और फेमस मंदिर हो गया है ये। काफ़ी लोगों को इस मंदिर का पता नहीं है। पहले तो जो वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक नीलम जोशी को इजाज़त दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीलम इज़ जोशी।